ये अल्लाह वाले का बेटा नबी की बारगाह में खड़े होकर नबी पे दुरूद सलाम पढ़ रहा था, निगाह उठा के देखा तो एक कुत्ता डोरा चला आ रहा, कुत्ता कुत्ता डोरा चला आ रहा नबी की बारगाह में आ गया। कुत्ते को नबी की बारगाह में आते देखा, इस वली के बेटे ने सोचा ये कुत्ता है, ये नबी की पाक बारगाह है, ये जानवर है, ये नबी की मुकद्दस बारगाह है, कहीं गलाजत ना कर दे, कहीं पेशाब ना कर दे, कहीं पाखाना ना कर दे, कहीं मेरे नबी की नगरी में, कहीं मेरे नबी के हरम को ये नापाक ना कर दे। बस ये सोच के ये कुत्ते को भगाने लगा, लेकिन कुत्ता भागने को तैयार नहीं, ये कुत्ते को इधर से मारे तो उधर से आ जाए, उधर से मारे तो इधर से आ जाए। हद ये है कि चारों तरफ कुत्ता घूम रहा है मगर भागने को तैयार नहीं है, वो कुत्ते को भगा रहा है मगर कुत्ता जाने को तैयार नहीं है। लोगों जरा गौर करो, जब काफी देर हो गई इसने पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद कुत्ते की पीठ पे दे मारा, जैसे ही पत्थर कुत्ते की पीठ पे लगा कुत्ता चीखता हुआ वहां से नबी के रोजे से भाग गया। लोगों जरा गौर करना, ये मदीने के मुकम्मल अय्याम पूरे किया, पूरे करने के बाद वहां से काफिला वापस रवाना हुआ तो काफिले के साथ वापस घर आया। अब बेटा बड़ा खुश है कि जब कोई मदीने से वापस आता है मेरा बाप तो हाथ चूमता है, मेरा बाप तो पैर चूमता है, मेरा बाप तो पेशानी और आंखों को चूमता है, मेरा बाप तो गले लगाता है। मैं भी मदीने से वापस आ रहा हूँ, मेरा बाप मुझे भी गले लगा लेगा, मेरा बाप मेरी भी पेशानी को चूम लेगा, मेरा बाप मुझे भी अपने सीने से लगा लेगा। बेटा बड़ा खुश है, दोनों को जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जैसे ही बेटा खुशी खुशी बाप की बारगाह में हाजिर हुआ, बाप ने अपने बेटे से गुस्से से चेहरे को फेर नहीं बुलाया, कहा मेरे बाप जब कोई और मदीने से आता है तो हाथ चूमता, तेरा सगा बेटा मदीने से आया तूने चेहरे को फेर लिया, बात करने तैयार नहीं। मेरे बाप क्या बात, मैं कोई और मदीने से नहीं आ रहा हूं, मैं उसी मदीने से आ रहा हूं जिस मदीने में नबी आखिर जमा आराम फरमा है। बाप ने कहा बेटे मैंने मना किया था कि मदीना ना जा, तू ना माना, मैंने कहा था कि वहां जाके अदब की डिग्री का ख्याल रखना, तूने अदब नहीं कर पाया, किसी का दिल तोड़ के आया है। बेटा रोने लगा, आंख में आंसू आ गया, कहने लगा बाप खुदा की कसम वहां की मैंने छोटी छोटी कंकरियों का अदब किया, मैंने वहां की चींटियों तक का अदब किया, ए बाप वहां के परिंदों का भी मैं अदब करता था, छोटे बच्चों के हाथों को मैं चूमता था, मेरे बाप मैंने वहां सबका अदब किया, किसी की भी अदबी नहीं की। बाप ने कहा अय्यामे मदीना पर नजर सानी कर, किसी का दिल तोड़ के आया है, कहीं भी अदबी करके आया है, किसी का दिल दुखा के आया है। जब बाप ने बार बार फोर्स किया, बार बार बाप ने कहा कि अय्यामे मदीना पर नजर सानी कर, तो बेटा बोल पड़ा बाप हाँ इतना मुझे याद आ रहा है, एक दिन मैं मदीने में था, एक दिन नबी के रोदे पे हाजिरी पेश कर रहा था, एक दिन नबी की बारगाह में खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ रहा था, मैंने निगाह उठा के देखा तो कुत्ता आया था, बाप उस कुत्ते को मैंने जरूर भगाया मगर कुत्ता भागने को तैयार नहीं था, जब कुत्ता नहीं भागा था तो बाप मैंने उस कुत्ते को एक पत्थर उठा के मारा था, बस इतना कहना था। बाप ने कहा खामोश हो जा, ये बता कि वो पत्थर कुत्ते के लगा कहां था। बेटे ने जवाब दिया मुझे खूब याद है, मैंने जो पत्थर उठा के मारा था वो कुत्ते की पीठ पर लगा था। बाप ने कहा याद है तुझे पीठ पर लगा था, हाँ मेरे बाप मुझे याद है पीठ पर लगा था। बाप ने कहा अगर याद है तो करीब आ जा, बाप के करीब बेटा आ गया, बाप ने अपना कमीज उठा दिया, अपना जुब्बा उठा दिया, कहा जरा मेरी पीठ को देख। जब बाप की पीठ को बेटे ने देखा तो पत्थर का निशान बाप की पीठ पर नजर आया, बेटा हैरत में पड़ गया, बाप मारा कुत्ते को था निशान तेरे है, कहा बेटा खुदा की कसम वो जिस दिन तूने पत्थर मारा कोई दुनिया का कुत्ता नहीं था, मदीने की गली में तेरा बाप कुत्ता बन के गया था। मैं नहीं, बड़े बड़े कुतुबो अबदाल मदीने की गली में नबी का कुत्ता बन के गया। सुभान अल्लाह, नबी के कुत्तों में अगर शुमार हो जाए तो बेड़ा पार। अल्लाह, तवज्जो है आप लोगों की, ये बात समझ में आ गई। और बेटे बड़े बड़े कुतुब अबदाल फिरते हैं। और एक बात बताऊं, अगर बड़ों का कुत्ता भी होना तो उसके भी हाव भाव बड़े होते हैं, बात है कि नहीं है। अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुरान कह रहा है, कुरान में जिक्र अस्हाबे कहफ के कुत्ते का, 15वें पारे में पढ़ो पूरा जिक्र। यार जब अस्हाबे कहफ नबी नहीं वली है,
वली का कुत्ता जन्नत में जाएगा तो नबी का कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। हाय हाय, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है। अल्लाह अल्लाह, बस बस। अब ये बात यहीं पर माइंड में रखी, माइंड में क्या करिए रखिए। बाप ने कहा बहुत से कुत्ते वहां फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल नबी का कुत्ता बन के जाते हैं, मैं भी गया था। आला हजरत सरकार जब हज करने के लिए गए, रोजे रसूल के सामने बैठ गए, मवाजे शरीफ के सामने बैठने के बाद मार्च करने लगे, आका इशा की नमाज पढ़ के बैठ गए रोजे रसूल के सामने, आका मैंने ख्वाब में बहुत मर्तबा आपकी जियारत की है, आज चाहता हूँ कि मैं जागते हुए अपने दिमागी हालत दिमागी आंखों से आका आपका दीदार करूं। अब मैं चाहता हूँ फेस टू फेस जागते हुए, ख्वाब में तो किया आका, अब मैं जागते हुए चाहता हूँ। बड़ी बात हो गई ना यार, विसाले रसूल के बाद दीदारे रसूल ऐसे जागते हुए करना बड़ी बात है क्या? नहीं, आशिक तो आशिक होता है, कर ली तमन्ना। और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रहे पढ़ते रहे, ईशा से फजर हो गया मगर दीदार दीदार नहीं हुआ। जोर से बोलो दीदार। तो ईमान देखिए, ईमान आला हजरत का, ये नहीं सोचा कि दीदार नहीं हुआ तो नबी जिंदा है कि नहीं है, ये नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा नबी तो कब्र में जिंदा है मगर मेरी औकात इतनी नहीं थी कि दीदार मुझे हो जाता। नबी तो कब्र में क्या है, दूसरी रात आई, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते इशा से फजर हो गई, फिर दीदार नहीं हुआ, बस बस। तीसरी रात आई फिर बैठी, तवज्जो है, फिर बैठी बैठ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, रात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, आखिरी मंजिल में दाखिल हो गई। तवज्जो करना, ईमान ताजा हो जाएगा, झूमोगे जरा दीवानों सुनो। आखिरी मंजिल में जब रात दाखिल हुई, अहमद रजा को दीदार नहीं हुआ तो बस आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। तो आला हजरत का कलम उठा, कलम उठा तो फिर आला हजरत वही बैठ के आंसुओं के भिगो के अपने कलम को लिखते जा रहे हैं। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, रखिए जैसे है खानाजाद हैं हम, मोल के आबदार फिरते हैं। और आला हजरत अपने आप को बोले, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार अहमद रजा, तू नबी का कुत्ता बनके इस बारगाह में बैठा है कि दीदार हो जाए, तू जैसे हजारों आते वो कुत्ता बनके फिरते हैं, जो वाकई अभी मैंने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया। अरे उन्हें जागते हुए दीदार नहीं होता तो अहमद रजा तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या बिसात, तेरी क्या औकात कि तुझे जागते हुए दीदार हो जाए। बस इतना कहना था, इतनी तमन्ना करना थी लोगों, अहमद रजा की किस्मत में अंगराई ली अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी हयात आला हजरत के अंदर बयान करते हैं। आला हजरत ने यह शेर पढ़ा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, आंखें उठाई तो क्या देखा, रोजा रसूल के सामने जलवा रसूल। जब तक नजर नहीं आया था तो बार बार यही तमन्ना थी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब जलवाए रसूल देखा तो अहमद रजा डंके की चोट पे बोले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। हाय ये है आला हजरत, अल्लाह अल्लाह, अदब का लिहाज होना चाहिए। अदब नहीं तो नहीं, जो मदीने में रह रहे हैं उन्हें अदब नहीं तो वो भी उनका रहना किसी काम का नहीं। और अगर अदब तो करण में रहने वाले उवैस को आ जाए ना तो आशिक का इमाम बना दिया जाए। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह, भाई अदब करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। बस वहाबी से हमें यही चिले, उसने हमारी जमीन नहीं मारी है ना, ना हमारी चोरी की है, बस उसके अंदर नबी का अदब नहीं है। वो ये कहता नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो ये कहता नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो ये कहता कि नमाज में नबी का ख्याल आए उससे बेहतर कुत्ते गधे का ख्याल आ जाए, बस उसको अदब नहीं। और हम अदब वाली जमात हैं,
जहाँ अदब नहीं वहाँ कुछ नहीं, जहाँ अदब है वहाँ सब कुछ है। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदाब, और लोगों रसूल का भी अदब करना और रसूल वालों का भी अदब करना, ये भी जुमला में देखे जा रहा हूँ वरना जनाजा निकल जाएगा। बहुत से लोग रसूल का तो अदब करते हैं मगर रसूल वालों का अदब नहीं करते, बहुत से रसूल के सहाबा का अदब नहीं करते, बहुत से रसूल की अहले बैत का अदब नहीं करते। कान खोल के सुन लो, रसूल की अहले बैत भी रसूल के हैं, रसूल के सहाबा भी रसूल के हैं। अगर मोहब्बत रसूल से हो तो अहले बैत का भी अदब करना पड़ेगा, रसूल के सहाबा का भी अदब करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह का अदब करो, अल्लाह वालों का अदब नहीं करो तो अल्लाह राजी नहीं होता। जैसे शैतान से राजी नहीं हुआ इबलीस से, अरे आदम का अदब नहीं किया राजी नहीं हुआ, तो रसूल का अदब करो, रसूल वालों का अदब करो। और सहाबा जो है वो रसूल वाले हैं, अहले बैत नबी के घर वाले हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा जोर से बोल दो यार। अभी आपको कम्बिनेशन बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कनेक्शन क्या है लोगों से सहाबा में और अहले बैत में, आपस में मोहब्बत क्या है। आज हमारे अंदर अजीब सा मामला है लोगों, जरा गौर करो, कोई खाली अहले बैत से मोहब्बत करता नजर आता, कोई खाली सहाबा से मोहब्बत करता नजर आता। अरे कान खोल के सुन लो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो अहले बैत को भी सीने में रखना पड़ेगा, सहाबा को भी सीने में रखना पड़ेगा।